लेकिन जब बात देश के साथ खड़े होने की हो तब सत्ता का साथ ही राष्ट्रहित माना जाता है। आए दिन हम संकटों से घिरते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों को छोड़ नहीं रहा है। चीन आए दिन आंखें दिखाता रहता है, हमारी धरती पर घुस जाता है। चीन आंखें दिखा रहा है, चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। चीन हमारी सरहद में 19 किलोमीटर तक घुस आया है। सबके मन में सवाल कि क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। क्या ये सब सेना की कमजोरी के कारण हो रहा है? ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। क्या इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो असल में वो भारत वर्सेस चीन या बीजेपी वर्सेस चीन नहीं, भारतीय सेना वर्सेस चीन इस समय स्थिति है। और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। वो सरकार के ढुलमुल रवैये पर विपक्ष ने तेवर कड़े किए। सरकार इस मामले पे बहुत ढुलमुल रवैया, बहुत कमजोर रवैया अपना रही है। विपक्ष के नुकीले सवालों के तीर झेलती भारत सरकार को सूझ ही नहीं रहा कि वो चीनी दुस्साहस का क्या जवाब दे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सरकार बैकफुट पर है। राहुल गांधी कह रहे थे प्रधानमंत्री को कि सामने आइए, डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, ललकार रहे थे। सोनिया गांधी ने कहा है चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो एक तो इस जानकारी का स्रोत जो वो दावा कर रही हैं। आप कह रही हैं कि स्रोत क्या है? हमारा आपका स्रोत तो वही है जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस इलाके को समझते हैं, जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, जो बार बार एक महीने से नहीं दो महीने से लगातार आगाह कर रहे थे, वो आगाह करते रहे सरकारों को भी, विपक्ष को भी आगाह करते रहे, भाई आवाज उठाइए, हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। कुछ भी जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं इसे मोदी का बदलापुर। जी हां, ये मोदी का बदलापुर है। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्होंने कहा झूले खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मूंगफली खा रहे थे और चाइना से हिंदुस्तान को बचा नहीं रहे थे। मैं बताऊं नेहरू जी क्या कर रहे थे 62 के समय, बताऊं? और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहां है तेरा 56 इंच, कैसा है तू, रेजिग्नेशन दे, तू हट जा। ठीक है,